गोवा जाना जाता है पार्टीज, बीचेस और नाइट्स क्लब के लिए। यहाँ आने के बाद लोग तलाश करते हैं सस्ते और अच्छे होटल्स। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा होटल दिखा रहा हूँ जहाँ बहुत कम पैसे में आप लग्जरी स्टे ले सकते हैं। आपने देखा कि कैसे मैं दार्जिलिंग से गोवा पहुँचा और बैगडार बीच के पास एक होटल देखने आया हूँ। बाथटब भी है, यहाँ पे छोटा सा बाथटब भी है, एक ओपन है। सबसे लोएस्ट प्राइस वाला, ठीक है, सबसे लोएस्ट प्राइस का मैंने ये नहीं, ये रूम है ना प्राइवेट। अच्छा, रूम में सबसे सस्ता है ना, तो डॉर्मेट्री है ना। और बड़ा रूम कितने का? 6000 बताया था हमने, 5000 प्लस टैक्स। पहले मैं पिछले साल पापी चुले में ठहरा था होटल में। रेस्टोरेंट की साइड में इसका और ये हम लोग का होटल है, आज इसी में रुकने वाले हैं। और ये 13 और 15 है ना, अपर बेड खाली है, नीचे का खाली नहीं है ना। और ये इसका मेनू है। गोवा में बैगडार बीच के पास ये मेरा रिसोर्ट है, मतलब कि कब 3 स्टार प्रॉपर्टीज़ को समझ लीजिए। और ये इसका नाम है मोस्टेज, मोस्टेज लग्जेरिया। मैं कल यहाँ पे आया था, काफ़ी प्रीमियर प्रॉपर्टी, अभी देख ही सकते हैं कि यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है और देखने में काफ़ी बढ़िया है। तो अब मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पर। जो यहाँ पे वैगटार बीच है, शिवा वैली और बहुत सारे जो पार्टीज़ के लिए मशहूर और नाइट्स क्लब है, वो सब यहाँ पे आसपास ही। मैं आज मैं सुबह में ही यहाँ पे गया था, यहाँ पे करीब रेप पार्टी हो रही थी रात से ही। अगर आप पार्टीज़ के शौकीन हैं तो वैगटार बीच पे ही एक और होटल आपको दिखा रहा हूँ जो कि गोवा का बेस्ट पार्टी हॉस्टल में मुझे लगा। पापी चुलू हॉस्टल जो कि नॉर्थ गोवा में वैगटार बीच के बिल्कुल पास है। इसकी लोकेलिटी भी काफ़ी शानदार है, कर्लीज वगैरह जो भी नाइट्स क्लब है सब इसके आसपास में ही है। 100 मीटर से वैगटार बीच है यहाँ से। इसका मेन एंट्रेंस है और इसका कैंपस है और बहुत अच्छे से पेंटिंग किया हुआ है। 3-4 हट टाइप के इसमें बने हुए हैं। फीमेल डॉर्मेट्री भी है, मेल डॉर्मेट्री और मिक्स डॉर्मेट्री भी है इसमें। उसके अलावा एक सिंगल प्राइवेट रूम भी है, कॉमन बाथरूम बाहर में है। इसका रिसेप्शन काउंटर है, यहाँ पे इसका बार है, जैसे कोई भी आप ड्रिंक ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेबल्स भी लगे हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम है, वो लोग यहाँ से अपना बैठ करके वर्क कर सकते हैं। और ये है इसके रूम, रात में आप पार्टीज भी कर सकते हैं, वहाँ पे कोई आपको रोकने वाला नहीं है।
तो आपको करना है, अगर आप कम बजट में स्विमिंग पूल के साथ लग्जरी चाहते हैं तो मोस्टर लग्जरिया में रह सकते हैं, और आप लोगों के साथ पार्टीज करना चाहते हैं तो पापी चूल्हे में रुक सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।